आई गए अपने आशियाना पे ऑफिस, जब बनाएंगे अपने साथ काफी कुछ अलग। अमूल फ्री लैक्टोस हेजलनट, ये सर्व होगा हमारे इसके विंटर के बॉटल में। और हमारे पास इधर आइस भी पड़ी है, दिस इज आइस, कैन सी इट ऑफ, नाइस इज आइस कंडीशंस। ठीक है, डन। सो अब हम मिक्सी स्टार्ट करेंगे। ये हो गया सेट, ये हमारा फ्लास्क, इसमें जाएगा ये फुल पैटर्न। तब तक के लिए हमें देखना पड़ेगा, यस वेरी दिस, ओके सो लेट्स पोर इट द इंटायर स्टफ्स इनटू दिस। सो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है हेजलनट, और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो जितना डालना है। सो हमारी कोशिश है कि हम इसमें ज़्यादा डालें हेजलनट, क्योंकि मुझे ज़्यादा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सो लेट्स ऐड, ये गया मेरा पहला टीस्पून, ये गया मेरा दूसरा टीस्पून, दो जा चुके हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा और रख लेते हैं। ये गया 2.5 ओवर एंड आउट। अब ये कर देते हैं साइड, और इसको भी रख लेते हैं साइड। ठीक है, अब इसको शेक करेंगे अच्छे से अमूल लैक्टोस मिल्क। ये हो गया शेक। अब आप इसमें ये अमूल लैक्टोस डाल सकते हो, और ये इस फ्लास्क में जाने वाला है, थोड़ा सा जाएगा ये पहले तो, लाइक दिस, थोड़ा बाद में डालेंगे, इसको साइड रख देते हैं तब तक। ठीक है, ये इसमें चला गया। अब इसमें डालेंगे हमारे आइस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आइस गया इसमें, कुछ आइसेस अभी डालेंगे, कुछ बाद में डालेंगे। चलिए, इतना आइस डाल लिया हमने, अब इसको कर देते हैं बंद। We need to close this. ये कर दिया हमने बंद, ये हो गया बंद। ठीक है, अब ये मिक्सी के ऊपर होगा सेट, लाइक दिस, ये हो गया सेट। अब इसको ऐसे पकड़ना है, की कंसिस्टेंसी देख लेंगे कि अगर इसको थोड़ा सा और ग्राइंड होना है तो ये होगा, एल्स ये ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और करना चाहिए, 5-10 मिनट चला देते हैं। ठीक है, अब ये कर दिया बंद। अब इसको पलट लेंगे ऐसे करके, ये पलट लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जो रिमेनिंग आइस थी ना, रिमेनिंग आइस को हमें डालना है हाउ माय गॉश, क्या खुशबू आ रही है गाइस, जो बचे मिलते हैं वो डाल देंगे। ये बच्चे मिल चले गए ऐसे, बस ये मिल्क का पोर्शन हो गया डन हमारा। अब इसमें रिमेनिंग आइसेस आप डाल लो, थोड़ा सा और, दो आइस डाल सकते हो, दो आइस डाल के इसको कर देना बंद इस तरीके से।
हो गया बंद, अब वापस से ठंडा पसंद है ना, बस इसको सेट कर लो आप, वापस डाल लो, बस ये हो गया सेट। सेट कर दिया, अब फिर से चला लो थोड़ा 1 से 2 मिनट। बस गैस ये हो गया डन हमारा, इसको पलट लिया हमने ऐसे करके, ठीक है अब बस मिक्सी का तो काम हो गया और ये हमारा तैयार है बनके। अब करना कुछ नहीं है, अपने केवे में उसके बॉटल को थोड़ा सा क्लीन कर लें और इसका पानी पूरा निचोड़ दें, पानी का अंश नहीं रहना चाहिए इसमें, बस तैयार है। इट्स रेडी टू सर्व नाउ। अब इसको हमें कुछ खास नहीं करना, बस ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको बस इसके अंदर हम डाल लेंगे। कोई बात नहीं, हम थोड़ा से चम्मच की मदद से डालेंगे बिकॉज जो उसका एक्स्ट्रा वो है ना फ्रॉथ वो अंदर चला जाए और ही मज़ा आ जाएगा। उसके बाद आप जब इसे पियोगे ना, इट विल गिव यू इंडस्ट फ्लेवर ऑफ हेजलनट। आइस के साथ जब वो आपको टेस्ट मिलेगा ना, वो बहुत ज़्यादा ही सही होता है। चलिए हेजलनट का तो काम हो गया डन, ये हमने इसके अंदर फिल कर दिया। अब करना ये है कि थोड़ा थोड़ा आइस अगर डाल सको तो डाल दो, और अगर आपको लग रहा है कि आइस थोड़ा सा और अच्छे से डल सकता है तो उसको तोड़ दें, सो डैट वो इजली चला जाएगा। आइस तोड़ के डालोगे ना तो आराम से चला जाएगा। ये बॉटल रहेगी, इसके अंदर ये आइस ऊपर से डाल दो, ये चला जाएगा इजीली। बस ये गया हमारा तैयार। सो गाइस ये हमारा हेजलनट मिल्क शेक इज रेडी टू ड्रिंक एंड मैं आपको इसके ऑनेस्ट इंप्रेशन बहुत जल्दी देने वाला हूँ। जैसे ही पीऊँगा, पीने के बाद आपको बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। एक्सेलेंट, वेरी स्वीट। मेरे लिए तो इसकी ऑनेस्ट इंप्रेशन 8 out of 10। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए हेजलनट मिल्क शेक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप फूडिंग गाइस।